सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तीन तलाक को लेकर विवादित बयान दे दिया है। बर्क ने लोकसभा में तीसरी बार तीन तलाक बिल पास किए जाने के मसले में कहा कि तीन तलाक बिल का फैसला पूरी तरीके से राजनीतिक है, तीन तलाक बिल पूरी तरह से शरीयत के खिलाफ है और अल्लाह के कानून में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। शफीकुर रहमान का विवादित बयान, तीन तलाक पर बर्क का अड़ियल रवैया, तीन तलाक बिल शरीयत के खिलाफ, मॉब लिंचिंग पर भी सरकार को घेरा। विवादित बयान देकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा में तीसरी बार तीन तलाक बिल पास किए जाने के मामले में विवादित बयान दिया है। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान देते हुए कहा, तीन तलाक बिल पर फैसला पूरी तरह से राजनीतिक है। सरकार मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। शफीकुर रहमान ने कहा कि तीन तलाक बिल पूरी तरह से शरीयत कानून के खिलाफ है और शरीयत अल्लाह का कानून है, अल्लाह के कानून में कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल का फैसला हमारे जज्बातों और मजहब के खिलाफ है। मुस्लिमों के अलावा भी जातियों में तमाम गंभीर मसले हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। किसी के भी मजहब धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ भी किया गया है हमारे जज्बात के, हमारे मजहबी मसाइल के खिलाफ किया गया, शरीयत के खिलाफ किया गया, जो कुछ भी किया गया। इसलिए हमारा जहाँ तक कानूनी जो शरई कानून है, उस शरई कानून के एतबार से ये जो फैसला लिया गया है, इन्होंने तो ये तो पॉलिटिकल लिया है अपना। बहरहाल इसको दिखला रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, मुसलमानों को तरह तरह से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क संसद में वंदे मातरम के विरोध को लेकर लंबे समय से विवादों में रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे।